उसके सर पर मार दे गोलियां। अबे ये कहां से आ गया गलत टाइम पे? अबे यार वो एक और आ गया, रेहाउंड आ गया गाइस यहां पे। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं पाल वर्ल्ड में। आज ना गाइस हम लोग जाने वाले हैं थोड़ा दूर एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आज बारी है कुछ और नए यूनिक जगहों पर जाने की, उनको एक्सप्लोर करने की, पता लगाने की कि वहां पर कौन से बॉस रहते हैं और उसके बाद से कुछ अगर नए पाल्स हमको मिलते हैं वहां पर उनको कैप्चर करने की। बट उससे पहले हमको थोड़ा बहुत काम करना है अपने बेस पे। बाय द वे मैंने ना गाइस यहां पर देखो नीचे वाली जो वॉल है ना उसको मैंने ऊपर उठा के यहाँ पर मैंने एक प्लेटफॉर्म बना रखा। ये जगह वैसे भी काम की नहीं थी, यहाँ पर पत्थर थे बहुत अजीब अजीब से दिख रहे हैं आपको यहाँ से। देखो ये देखो ये दिख रहा है ना, ये देखो ये पत्थर को मैंने अब जाके ये बना दिया प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ये वाला प्लेटफॉर्म बना दिया। यहाँ से हम लोग अपने पाल्स को कमांड दे सकते हैं कि देखो मेरे को ना थोड़ा ज्यादा काम चाहिए तो जल्दी से काम करो, उससे उनकी भूख जल्दी बढ़ेगी और वो थोड़ा थक जल्दी जाएंगे। लेकिन जरूरत के टाइम पर हम लोग इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो हम लोग इसको रिलैक्स कर सकते हैं, फिर नॉर्मल में आराम से वो लोग काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ से हम लोग कंडेंस कर सकते हैं। कंडेंस करने के लिए भी ना मेरे पास पाल्स ज्यादा है नहीं, तो अब मेरे को क्लियरली समझ में आ चुका है कि कैसे काम करता है, बट मेरे को पाल्स ज्यादा चाहिए। और हम लोग आज अपना पहला यहाँ पे ब्रीडिंग करने वाले, मेरे पास हनी आ चुका है कुछ पाल्स को मारने के बाद। बेसिकली यहाँ पे एक सिनामोथ करके पैल है जिसको कैप्चर करने के बाद ना कैसे हमको हनी मिलता है, तो वो मैंने कैप्चर कर रखे हैं। और पाल डेक में अगर हम लोग जाएं तो मैंने ट्राई करा, देखो लैम बॉल मैंने 10 कैप्चर कर लिया, 14 कैप्चर कर लिए हैं, कटीवा मैंने 3 और कैप्चर करने, इसका हमको एक्सपी मिलेगा। और उसके बाद से ये प्रॉब्लम पता कैसे क्या आ रही है यार, रात कैसे हो गई, अभी से स्टार्ट ही कर रहा हूँ, प्रॉब्लम पता कैसे क्या आ रही। देखो मैंने ना मेमोरेस्ट कैप्चर किया था, ठीक है, मैंने और भी कुछ खतरनाक बॉसेस कैप्चर करे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो लोग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक मैं उनके साथ मैच ना करूं। लेवल 38 लेवल का मेमोरेस्ट है, बट मैं हूं अभी 25 लेवल का, तो मेरे को 38 में जाऊंगा तब जाके वो अपनी फुल पावर से हमारे साथ लड़ेगा, काम करेगा, जो भी करेगा। तो अभी वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। एक सेकंड में ऊपर देख के आऊंगा इसकी, मेरे पास ना नॉर्मल वाले स्पेयर्स हैं नहीं है, क्योंकि नॉर्मल वाले भी मेरे को काफ़ी सारे चाहिए आज। यहाँ पे इन्होंने विक्सी ने बना तो रखे गाइस, वैसे दूध वगैरह काफ़ी हो रहा है, मैं एक बार फट से ना एक बार देख लेता हूँ। आप लोगों ने कॉमेंट मेरे को करे तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना कॉमेंट करते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं मेरे को प्रो बनाने के लिए, मैं बन भी रहा हूँ धीरे धीरे। तो हाँ जितने कॉमेंट कर रहे थे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने कुछ मेरे को सजेशन दिए थे कि यार इसको वो करके आप ब्रीड करो और खतरनाक वाला कोई पाल बन जाएगा, तो मैं वही करने वाला हूँ। मैं पहले ये लेके जाता हूँ यहाँ से, ये कैंडी, कॉटन कैंडी कलेक्टेड फ्रॉम वूली पॉप, इट्स स्वीटनेस फ्लफी मेल्ट अवे इन योर माउथ। अच्छा इतनी यूनिक बात मेरे को आज ही पता चले, मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, पहली बार जाना मैंने। हेलो ओके 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 ओके, हमारे पास एरोज वगैरह हो चुके हैं यार, ये लोग ना उल्टा सीधा कर देते हैं, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि बाकी सारे जो वुडन के चेस्ट के एरिया है ना उनको मैं किसी और चीज़ से भर दूँ और उसके बाद ईजी हो जाएगा काम करना। इसको मैंने लगा रखा था स्पेयर्स बनाने के लिए, मेरे पास नॉर्मल स्पेयर कितना है, 256 है मेरे पास, 256 लेके जाने की जरूरत तो नहीं है वैसे गाइस, वेट हो रहा है ना, वेट बढ़ जाएगा मेरा, तो एक काम करता हूँ 256 में से ना हाफ 128 काफ़ी है। उसके बाद हमारे पास ये मेगा स्पेयर्स हैं और ये हमारे पास गीगा स्पेयर्स हैं, ठीक है। एक बार ना फर्स्ट से मैं आप लोगों के कमेंट जाके चेक कर लेता हूँ कि क्या आप लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया था, उसके बाद हम लोग उनको ब्रीड करने छोड़ेंगे और हम लोग यहाँ से जाएंगे। बल्कि बेसिकली मेरे को ना एक और काम करना है, जाने से पहले मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा ना वो लगानी है, यहाँ से हमारे जो एनिमीज आ रहे हैं ना वो, बल्कि वो पहले मैं कर ही देता हूँ गाइस। मेरे को देखना है कि कहीं पर हमारे पास ना वो वॉल है क्या, डिफेंस वॉल यार, डिफेंस में क्यों नहीं दिखा रहा डिफेंस वॉल, एक सेकंड टेक्नोलॉजी में हम लोग चलते हैं। क्या मैंने अभी तक डिफेंस वाली वॉल अनलॉक नहीं करी क्या गाइस, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने नहीं करी होगी, हाँ नहीं करी यार, कोई बात नहीं, चलिए अब कर लेते हैं। डिफेंस वॉल बनाएंगे हम लोग गाइस, अब जाके सबसे पहले हम लोग लगाते हैं वॉल। ये वॉल बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है बट चलेगा, इसमें कोई आ नहीं पाएगा पाल। देखो यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है बंदा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ से भी ना एक डिफेंस वॉल यहाँ पर भी लगा दे रहा हूँ। ये जब भी डायर हाउल आता है ना, डायर हाउल के आने का रास्ता यही है, इधर से ही आता है, गया चला गया ऐसी, अभी तो डिफेंस वॉल बनी भी नहीं है, अभी इसे डर लग गया। अबे रहन दो, तुम लोग टेंशन मत लो, नहीं आ पाएगा, उसके बस की बात नहीं है आ पाना। बेहतरीन, तो हमारा ये वाला एरिया कवर हो चुका है, क्योंकि जब से वो टोको आया है ना उसने यहाँ पर 2 बार अटैक करा है, तो मेरे को तो डर लग रहा है, मतलब मेरे लिए लगता है कि यार अब मुझे डिफेंस बना ही लेना चाहिए। इंक्यूबेशन कंप्लीट हो रखा है, जरा इनको देखा जा रहा है कि क्या मिलने वाला है, वो फायर वाला बीच में मिलने वाला है हमको एग, उसमें कोई हमको मिला एक सैलरी, ओके सैलरी से हमको पाल फ्लूड भी मिला होगा क्या, नहीं मिला, मार के मिलता है या फिर कैप्चर होके मिलता है। बूशी एक और मिल गई हमको, अरे वाह ये बहुत सही चीज़ थी,
ये लार्ज कॉमन एग में हमको कोई बॉस भी मिल सकता है। ओ ग्रीन टेल वॉज बॉर्न। ग्रीन टेल मेरे पास अभी तक नहीं था गाइज, ये हमको यूनिक पाल मिला है आज, अभी तक मेरे पास नहीं था ये। मैं एक काम करता हूँ, ग्रीन टेल को निकालता हूँ, जरा इसकी ताकतें देखता हूँ कि मैं क्या करता है। ग्रीन टेल बॉस भी होता है शायद बड़ा वाला, ये अभी नॉर्मल सा है। क्या करता है, हमारे लिए सीडिंग वगैरह का काम करेगा और ब्लड ऑफ द ड्रैगन फ्रेगमेंट फॉलीएज डिस्ट्रक्टिव एबनॉर्मल, ये सब इसकी पैसिव स्किल्स हैं। विक्सी हटा ली मैंने, विक्सी की जगह इसको डाल रहा हूँ। ये देखो गाइज, ये देखो दो टेल हैं इसके पास में, यार ये कितना क्यूट सा लग रहा है। ओके 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 ओके, ऑलराइट, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से कोई ऐसे उड़ से ऊपर से आ सकेगा, और वहाँ पर भी हमारा ये लगा हुआ है। यहाँ पर भी क्या बिल्ड करने की ज़रूरत है? हाँ यहाँ से भी आ सकते हैं गाइज। वैसे मैं ना अभी देख रहा था कि कमेंट पढ़ के, तो बहुत सारे आप लोगों ने सजेस्ट कर रखे हैं मेरे को। मैं ना अभी दो पैल्स को निकाल रहा हूँ, अभी दो पाल्स को निकाल रहा हूँ, उनको ब्रीड करा के देख रहा हूँ पहले कि वो क्या काम कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि उनके लिए ना मुझे अपने यहाँ से दो पाल्स को हटाना पड़ेगा। तो बेसिकली वहाँ पर लिखा हुआ था कि एक तो आप कराओ लैम्बॉल को और दूसरा मेलपाका को। तो मेलपाका कहाँ चला गया हमारा? मेलपाका को हम लोग निकालते हैं और लैम्बॉल निकालते हैं एक, ठीक है। इन दोनों को मेरे को ब्रीड कराना पड़ेगा, अभी इन दोनों को मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। और मेरे को ना इसको लिफ्ट करके जा, और ऑलरेडी जा रहा है वो, इसको मैं पहले थ्रो कर रहा हूँ और मेलपाका इधर चलेगा। तू रेंच में उधर मत जा, उधर मत जा, मैं तेरे को ना इधर लेके आ रहा हूँ, इधर आ जरा। मेरे को अभी वो बनाने में कोई हेल्प नहीं कर रहा, मेरे को गेट बनाना है और थोड़ी सी वॉल और कंप्लीट करनी है। ये हो गया आई थिंक, ये एक सेकंड, दोनों मेल आ गए क्या? शिट, एक सेकंड रुक जाओ, ये कौन, इसको लेके जा रहा हूँ मैं, एक फीमेल लेके आ रहा हूँ मैं। मेल लैम्बॉल लेके आ चुका हूँ, वहाँ पे फीमेल मेलपाका है। उसके बाद हमको अपना बेस भी बल्कि अभी अपग्रेड करना है। मेरे को ना फ्लॉपी बेड बनाना है इनके लिए, अभी तक मैंने नहीं बना रखा है, बट आज मैं एक बनाने वाला हूँ ताकि हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए। एटलीस्ट अभी वो प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हाँ, अब जाके मुझे गाइस करना है यहाँ पे केक इनको देना है, केक खा के ये लोग करेंगे इंजॉय और हम लोग बनाएंगे वहाँ पर, मजदूरी करेंगे बेसिकली, हम लोग वॉल बिल्ड करेंगे। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारा जो बेस है ना गाइस सेफ हो चुका है, और लग रहा है मतलब पूरा भी चीज़ें बिखरी हुई है नहीं, अभी पूरा सब समेट सा लिया है, तो ये देख के भी अच्छा लग रहा है। दो बना लेते हैं फट से, टाइम लगेगा क्या? हाँ टाइम लगेगा यार, एक काम करते हैं ना। अच्छा इसमें तो हेल्प नहीं करेगा, इसमें हमको ये हेल्प करेगा ना, आ जाओ, करेगा क्या हेल्प? अरे अच्छा ये वाला हेल्प करेगा। तू आग तो ऑलरेडी जल रही थी, उसमें क्या दिक्कत थी? अच्छा मैं अगर छोड़ दूँ तो ये क्या बन रहा है? हाँ बन रहा है गाइस। हम लोग ना तब तक अपनी वॉल कंप्लीट करते हैं। इसने काफ़ी कुछ वुड इकट्ठा कर लिया होगा यहाँ पे वैसे। हाँ काफ़ी कुछ कर लिया है, अभी ये वुड मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, नेल्स भी यहाँ पर डाल रहा हूँ, मेरे को अलग से उठाने की ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पर नहीं बनाना है मुझे, आगे बनाना है। फ्लॉफी बेड काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे देखने में गाइस। इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, टास्क कंप्लीट हो जाएगा। केक भी शायद आई होप कि अब तक तो बन चुका होगा यार, इतना टाइम थोड़ा ना लगता है केक बनने में, मतलब मेहनत वाला काम है। बट मैंने बोला था कि मेरे को सिंपल पाइनएप्पल वाला केक चाहिए और कुछ नहीं है। पता नहीं इतनी देर से क्या कर रहे हैं ये लोग। अब आ गई देखो हमारी सुपर फास्ट पाल यहाँ पर, जो कि बहुत तेज़ी से काम करती है, और कटीवा भी अपनी तरफ से लगा पड़ा है। यार हथौड़े से कौन सा फ्लफी बेड बनता है ये बताओ तुम पहले, हथौड़े से पहली बार देख रहा हूँ मैं फ्लफी बेड बन रहा है। अभी जाके हम लोग अपना बेस अपग्रेड कर सकते हैं ना गाइस, देखो हम लोग बेस अपग्रेड करेंगे अभी जाके, बिल्ड स्पेयर असेंबली लाइन, ओ बिल्ड पावर जनरेटर। केक बनने में ना गाइस सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, कम से कम मुझे ऐसा लगा 20 से 25 मिनट लग रहे हैं एक केक बनने में, इससे ज़्यादा टाइम और किसी में नहीं लगा। लेवल 2 का है जो कि उसके बाद भी इतना टाइम लग रहा है, एक केक बन चुका ना, एक्वायर कर रहा हूं, बस हो गया, आ जा, हो गया। हम लोग चलते हैं सीधा ब्रीडिंग करा के आते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी काम करेंगे। मैंने कुछ यहाँ पर भी वॉल लगा दी, वैसे जगह खाली बच रही, बट इतना समझदार नहीं है वो इतना समझदार नहीं है कि यहाँ से वो कर लें काम। तो ये हाँ उठा रहा है ना, तो कटीवा उठा। एक काम कर, इसको यहाँ पर डाल दे खाने के लिए, ताकि तुम लोग खाते रहो। यहाँ पर मिल्क है, हम लोगों ने केक तो बना लिया, अभी हुआ नहीं होगा कुछ, अब मेरे को देखना है कि क्या प्रोसेस होगा। कर लिया, ओके एग आ चुका है। अच्छा ब्रीडिंग में टाइम लगेगा, बहुत लंबा टाइम लगने वाला है गाइस, नॉट इनफ केक। एक सेकंड रुक जाओ, और केक चाहिए तुम लोग को? यार केक क्यों खाना है, आलू प्याज खा लो, कुछ खा लो यार कुछ। और केक बनने में बहुत टाइम नहीं लग रहा, मैं कैसे बना पाऊंगा इतना। एक काम कर विनवम, तू अभी छोड़ देना, यहाँ पे जा इस केक को पका, तो मेरे को खाना बनाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। बट उससे पहले ना गाइस देखो, यहाँ पे मेरे पास अभी आ चुका है मेटल का आर्मर, तो मेटल का आर्मर पॉइजन वगैरह बना के फायदा नहीं है, क्योंकि इनके लिए ना इनके एरोज वगैरह बनाना थोड़ा मुश्किल है। मेटल का आर्मर और मेटल का हेलमेट, प्लेस इन बेस टू इम्प्रूव वाटरिंग एफिशिएंसी ऑफ पाल। अरे वाह ये तो बना सकता हूँ मैं फिर, तो एक बार देखता हूँ जरा कि मैं क्या क्या चीज़ें बना पा रहा हूँ। अदर में हम लोग चलते हैं वाटर फाउंटेन। अब ये कहाँ पर लगाया जाएगा इस, इसको अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ तो वाटरिंग इम्प्रूव हो जाएगी ना। सही है, बना दे रहा हूँ मैं इसको।
तुम लोग बनाओ, सब लोग बनाओ, और मैं अपने लिए जरा ना मेटल का आर्मर बना लूँ फट से। मेटल आर्मर बनाने के लिए लेदर 10 चाहिए। मेरे पास 10 लेदर नहीं है क्या? है सच में 10 लेदर नहीं है मेरे पास। एटलीस्ट हेलमेट तो बना लूँ मैं पहले। यार लेदर मेरे पास कम क्यों है फिर गाइज? चलिए हम लोग बाद में बना लेंगे फिर। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास लेदर तो है काफ़ी सारा। हाँ तो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, इनको एक बार निकाल के देख लेते हैं गाइस कि क्या हो रहा है, क्या मिलने वाला है हमको यहाँ से, और फिर हम निकल रहे हैं। अब बहुत हो चुका, अब हम बस निकलने वाले हैं। इनक्यूबेशन कंप्लीट, सिनेमा वॉज बॉर्न, तो हमको हनी भी मिला होगा पक्की बात है। अभी ये होने वाला है, इसको टाइम लगेगा, और ये कंप्लीट हो चुका, ये इसको लगने वाला है टाइम। अक्वायर कर लिया मैंने मेटल का हेलमेट, तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। अब बस मुझे खाने का थोड़ा टेंशन है कि खाना आना अपने पास कम है थोड़ा गाइस। अब हम लोग चल रहे हैं गाइस, हमको बेसिकली ना ये वाला एरिया एक्सप्लोर करना है आज। इधर का हम लोगों ने काफी एक्सप्लोर कर लिया, अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं, और उसके लिए हमको शायद यहाँ पर जाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग राइट साइड को जाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर जो भी पैल्स मिलेंगे उनको भी हम लोग कैप्चर करेंगे, और क्या मतलब यही होने वाला आज। ओ एक चेस्ट है यहाँ पर गाइस। चेस्ट से याद आया कि हमको लिफमंक एफिजीज जितने मिल सके उतने कैप्चर करने, क्योंकि मैंने काफी टाइम से ना अपने स्टैट्स बढ़ाए नहीं है, तो उस चीज पे मेरे को थोड़ा फोकस करना है। हम लोग एक बहुत ही प्यारे से बीच में आ चुके हैं, जहाँ पे पानी वाला कोई यहाँ तो नहीं दिख रहा। मस्त करके यहाँ पर टीफेंट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, और सामने मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ है, एक बॉस वाला एरिया है, डंजन वाला बॉस रहता है वहाँ पे। उधर के साइड मेरे को एक वो दिख रहा है जहाँ पर हमारा फास्ट ट्रेवल पॉइंट होगा, उसको अनलॉक मेरे को करना है। हम लोग किधर की साइड है? हम लोग सही जा रहे हैं वैसे, हमको इधर का एरिया ही एक्सप्लोर करना है पहले। मैं एक काम करता हूँ ना गाइस, यहाँ पे इसको निकालता हूँ। पानी में चल पाएगा? थोड़ा बहुत तो शायद चल ही लेगा। तो हम लोग गाइस आ चुके हैं यहाँ पर, कोई बॉस रहता है मार्श आइलैंड पर, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, बॉस रहता है, चेक करें जरा। यहाँ पर रहता है कैट्रेस, तो ये भी आप लोगों ने बोला था कि कैप्चर करना, हम लोग करेंगे बट अभी ना। हाँ रूबी से हमको लेदर लेना है, एक सेकेंड, लेदर मेरे को चाहिए थोड़ा सा आर्मर बनाने के लिए अपना। गई ना ये, ऑलराइट लेदर मिला क्या? मिला होगा शायद, चार लेदर हमारे पास हो चुका है, वो अनलॉक कर लेते हैं। सामने मेरे को एफिजीज दिख रहा है, बट वो हम लोग रात में कैप्चर कर सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं है। अभी हमको एक्सप्लोर करना है एरिया, और मैं देख रहा हूँ कि गाइस नए नए मेरे को वो कहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर एक बॉस है, हमको थोड़ा इस वाले एरिया को, इस वाले आइलैंड को पूरा एक्सप्लोर करना है। भाई देखो वहाँ पर सामने एक मेरे को वो दिख रहा है कुछ, जहाँ पे वो लोग कैप्चर करके रखते हैं, तो वहाँ पर भी हमको नया वाला कोई पायल मिल सकता है। लीफ मंक भी वैसे मेरे पास है नहीं, अब मैं इनको बो से मारूंगा तो यार ये मर जाएंगे, हो जाएगा कैप्चर। मेरे को एक और दूसरा वाला भी कैप्चर करना है। वो कहाँ भाग गया? ये कुछ और है। अच्छा ये तो रूबी है, रूबी को मार के लेदर मिलेगा। ओके गाइस तो यहाँ पे कोई तो है, यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है। ये फ्लॉपी है यार, ये तो ऑलरेडी अपने पास है। यहाँ पे मेरे को उतरना पड़ेगा, और मेरे को भेजना पड़ेगा रॉबिन क्विल को, या फिर भेजा जाए मेमोरेस्ट। ओहो शिफ्ट, नहीं ये तो एक बार में झटके में सारा ख़त्म कर दिया इसने। कोई था क्या यहाँ पे? पता नहीं, हम लोगों ने तो नहीं देखा कोई भी यहाँ पर रहते हुए। चलिए इस चीज़ के मामले में तो यार मतलब ये बहुत तगड़ा है, मतलब छोटे मोटे लेवल 26 हो चुका है, लेवल अप करना है ना, इसीलिए तो लेवल अप हमको जल्दी जल्दी करना है। इस लेदर हमारे पास हो चुका है 6, लेदर भी इकट्ठा करना है मेरे को। सामने रूबी दिख रही है, रूबी को मार, तू इधर आ, रहने दे रूबी को मारता हूँ जरा। ओके यहाँ पे कोई और तो नहीं, ये क्या चीज़ है? पत्थर है यार, मुझे लगा कि कुछ है यहाँ पे। आई थिंक गाइस मेरे को लग रहा है कि हम लोग जहाँ जाने वाले थे वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो वॉन्डरिंग ट्रेडर ना, एक सेकंड इससे उतर जाऊँ पहले। वॉन्डरिंग ट्रेडर मुझे लग रहा है कि वॉन्डरिंग और जो मर्चेंट है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि रहता है हमेशा। तो हमको मिल चुके हैं 2 मेरे को दिख रहे हैं, एक बार मैं देख लूँ कि कितने लोग हैं यहाँ पे, और ट्राई करना है कि इनको कैप्चर करना है, इनको किसी भी हाल में मरने नहीं देना। प्रॉब्लम पता क्या होती है, जब हम इनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ना तो इनकी सिक्योरिटी भी आती है, उस चीज़ का भी मेरे को ध्यान रखना होगा। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, और अब जाके हम लोग इसको ट्राई करने वाले हैं। हाँ चलो लेवल 30 का है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जाओ मारो इसको, इसको मारो, इसको मारो। आई थिंक इसके लिए मेगा स्पेस सीधे मैं गीगा डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता, लेवल 30 का है ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओ शिट 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 गाइस, अगर गिर गया ना वापस से कैप्चर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम होने वाली है। ऑलराइट ऑलराइट, एक तो हम लोगों ने कर लिया, वॉन्डरिंग मर्चेंट कर लिया हम लोगों ने, अब मुझे ये करना है कैप्चर। सिक्योरिटी पर आ रही, वो लोग अपना सिक्योरिटी पर ध्यान दे रहे हैं। गोलियां मारे गए, अबे इसको लग क्यों नहीं रहा है? क्यों गीगा स्पेयर भी नहीं काम कर रहा है? अरे यार मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग इसको कर पाएंगे। रुक जाओ इसके लिए मैं डालता हूँ मेमोरेस्ट को डालता हूँ मैं। नहीं कहाँ गया मेमोरेस्ट, इधर जा तू जा। हम लोग इसको कैप्चर नहीं कर सकते यार, ये चीज़ बड़ी बेकार है गाइस। वांटेड लेवल आ चुका है गाइस, मेरे को लग रहा है कि अभी हमको एक बार मरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ना शायद, मुझे जितना पता है इनके बारे में, ये लोग हटेंगे नहीं जब तक, यहाँ पर वुड इकट्ठा हो गया बहुत, जब तक हम लोग मर नहीं जाएंगे, मुझे ऐसे ही लग रहा है गाइस। वो तो फंसा हुआ है वहाँ पे,
लग रही उसको, लग तो रहा है। अबे नहीं वॉन्ड्रिंग यार, मुझे लग रहा है कि हमको मरना ही पड़ेगा। तो गाइज हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना यहाँ से तो निकल ही जाते हैं यार। हम लोगों ने सिर्फ एक कैप्चर कर पाए गाइज, और भी मेरे को कैप्चर करने थे बट नहीं हो पाए। मतलब हमको उसके लिए हाइपर स्पेयर चाहिए होगा। ये तो इसकी तो हालत मेरे को लग रहा है ख़राब है। सामने क्या कोई वहाँ पे, यहाँ पे है ना फास्ट ट्रेवल पॉइंट, अनलॉक करना पड़ेगा कहीं पर तो है इधर पे। यार मुझे लग रहा है कि ये हमारे बेस तक आएगी शायद, पता नहीं लेकिन ऐसा होता है मेरे को पता है ये आएंगे हमारे बेस तक। यहाँ पे ना कहीं पर वो दिखा रहा है, हाँ हम लोग एग्जैक्ट सही जगह पे हैं। यहाँ पे कहीं पर तो फास्ट ट्रेवल पॉइंट है जिसको अनलॉक करना है मेरे को। वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, मतलब वो रिस्पॉन हो जा रहे हैं एक अलग सी जगह पे। मैं ना इसको निकालता हूँ, विनमम जा जाओ तो कुछ कर यार। मेरे को एक बार मुझे लग रहा है कि मरना ही पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं बेस में मरता हूँ तो मैं कहीं मेरे पाल्स को ही मार ना डाले। हम लोग तो निकल रहे हैं गाइस यहाँ से, मैं टेस्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये लोग आएंगे पक्का, वहाँ भी बेस में चलते हैं। एक तो एटलीस्ट हम लोग मर्चेंट को कैप्चर करके लाए। देखो आ गए ना बेस में भी आ गए। क्या प्रॉब्लम है वांटेड लेवल का, ये कहाँ पर सो रहा है अलग ही दुनिया। यार मेरे को लग रहा है मेरे जो पैल हैं थोड़ा दिक्कत होगी उनके साथ में। सोने का ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी गाइज, क्यों PIDF इन्फेंट्री आ रखी है यहाँ पे। बट हम लोगों ने ना बेस की सिक्योरिटी बढ़ाई थी तो मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग अंदर एंटर कर पाएंगे। हाँ फिर तो बढ़िया है, आराम से घूमते रहो तुम लोग। बाहर ही है, अंदर नहीं आ पाए वो लोग। मेरे को ना थोड़ा खाना इकट्ठा करना, उसके बाद हम लोग कल चलेंगे वापस से उसी आइलैंड पे। अब हम लोग ना आसपास एक्सप्लोर करेंगे और कुछ जो पैल्स हैं उनको कैप्चर करेंगे, क्योंकि मर्चेंट तो हम लोग नहीं कर पाए, एक ही को कैप्चर कर पाए। आई थिंक वॉन्ड्रिंग वाला था, उसके लिए मेरे को हाइपर स्पेयर चाहिए होगा। हाइपर स्पेयर कब अनलॉक होगा एक बार देखूं जरा मैं। हाइपर स्पेयर इन्वेंट्री में कुछ दिखा रहा है, स्टैट पॉइंट्स हम लोग हेल्थ पर ही डाल रहे हैं अभी। टेक्नोलॉजी पर अगर चलते हैं, हाइपर स्पेयर आई थिंक गाइज गीगा स्पेयर हाइपर स्पेयर लेवल 27 पे है। हम लोग कैप्चर कर सकते हैं अगर वो दोबारा वहाँ पर होता है तो। फिलहाल हम लोग सोते हैं, कल सुबह वापस निकलेंगे। वो लोग तो चले गए यहाँ से, फ़ायदा हुआ हमको एक बेस बनाने का, वरना पक्का वो लोग आते वहाँ, यहाँ तक आ चुके थे। लेकिन बेस देख के उनकी हालत टाइट हो गई, उनको लगा यार नहीं फालतू में फ़ायदा नहीं यहाँ पर कुछ करके, क्योंकि कुछ तो कर पाते नहीं वैसे भी वो लोग। वॉन्ड्रिंग मर्चेंट ये है, लेवल 30 का वॉन्ड्रिंग मर्चेंट है। अब मैं इसको अभी बूशी की तरह जगह डाल रहा हूँ, कहाँ चला गया। अब इससे हम लोग बात करते हैं, ये वैसे किसी काम का नहीं है बट हम लोग इससे बात कर सकते हैं। एक सेकेंड, अगर हम लोग इसको सेल करें, कुछ क्या सेल कर सकते हैं हम लोग इसको, फालतू का सामान सेल कर सकते हैं। अरे वाह ये देखो ये हो गया, ये हो गया। और मेरे पास क्या है फालतू का, ये नहीं, सीड सेल कर लेता हूँ। और ये मीट ख़राब ही होने वाला है, इसको सेल कर लेता हूँ। और क्या है, ये सीड है। दवाई का भी अभी यूज़ तो हो नहीं रहा पैसे बनाने का सही तरीका, फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ। ऑल राइट, मेटल का हम लोग आर्मर बना रहे हैं। अब टाइम लगेगा इसको बनने में शायद, हाँ थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। यहाँ पे सामने एक और मेरे को फास्ट ट्रेवल पॉइंट दिख रहा है। ये जगह कितनी प्यारी लग रही है, देखो सामने ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ पे एक बोट सी है कोई, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कोई बोट है वहाँ पर, बट हो सकता है कि कुछ पेड़ वेड़ हो ऐसा दिख रहा हो। यहाँ पे एक और एग मेरे को मिला, ये कौन आई थिंक फ्लूपी तो है अपने पास। हम लोग ना गए उस साइड जाने वाले हैं, यहाँ पे एक फास्ट ट्रेवल पॉइंट मिला मेरे को, वो देख के मैं आ रहा हूँ। बट पहले हम लोग ये एफिजी कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ओके अब चलते हैं आगे, मेरे को सामने एक चेस्ट भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मेरे को कुछ नए पाल्स देखने स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखो ये कौन से हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हैं हमारे पास, कौन से आए थे वो, अरे यार सिल्वर की चाहिए, जो हम लोगों ने कैप्चर करे थे ना वो वैसी टाइप के लग रहे हैं, बट शायद कुछ और हैं, एक बार चेक करके आए। लेकिन ग्रुप में है, क्या ये लोग अटैक करेंगे। ये एरिया देखो कितना सही है, गोफिन है, गोफिन, ओके गोफिन पानी वाले ही हैं, तो हम लोग इसमें पानी वाले। मैं डाजी भी लेकर आया था, डाजी काम आएगी यहाँ पे वैसे। एक सेकेंड, डाजी मेरे पास आ रही होगी ना, डाजी तो गाइस निकलना पड़ेगा क्या हमको यहाँ से। किसको निकाला जाए, ये हाथी काम करेगा यहाँ पे लगता है गाइस, आपको काम करेगा हाथी। अरे एक एक बार मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ना गाइस मेगा स्पेयर डालना पड़ेगा मेरे को। अबे डाजी उसको करंट मत लगा देना, डाजी बहुत दिक्कत दे रही मेरे को। मैं लेके तो आ रखा हूँ लेकिन डाजी ना, नया है, हमको कैप्चर करना है गाइस, हमको कैप्चर करना है, पक्का हो जाएगा जैसे ये साउंड आती है ना, पता चल जाता है किसने क्या। एक सेकंड, डाइट लवर, पहला डाइट लवर आया अभी तक हमारे गैंग में, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी नहीं था। पता क्या, डाइट लवर का फायदा यह है कि ये लोग खाना कम खाएंगे, और खाने की दिक्कत है, जितना ज़्यादा पाल्स बढ़ते जा रहे हैं ना प्रॉब्लम आ रही खाने की। तो एक हम लोगों ने नया पाल कैप्चर किया, बहुत बड़ा तो नहीं है, नॉर्मल सा है। यहाँ पर मेरे को यार ये लोग ना झुंड में, जैसे क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया उनके, पेंगुलेट, यार पेंगुलेट के जरिए दिख रहे थे।
बट पेंगुलेट नहीं, मेरे को सामने ना एफिजीज दिख रहा है। एक एफिजी मैं काफ़ी कलेक्ट कर लिया, लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ज़्यादा एफिजीज कलेक्ट करने होंगे। अब मैं लड़ नहीं रहा, तुम लोगों से रहने दो। तो और कौन से पेल्स, यहाँ पर भी एक बॉस है, एक बार पहले इसको अनलॉक करता हूँ उसके बाद बॉस को देख के आते कि कौन सा बॉस है यहाँ पर। मैं बस आज बॉस की लोकेशन निकाल रहा हूँ और हम लोग नॉर्मल पाल्स को कैप्चर कर रहे हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम ना एक साथ एक दिन में बहुत सारे बॉस को एक साथ मार के आए। मेरे पास खाना वाना है क्या? खाना कम है यार अपने पास। गाइस खाने के देखो दिक्कत, मेरे को डाइट लवर चाहिए सारे लोग, अभी सब लोग डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे है वॉर सेक्ट, ओके वॉर सेक्ट है यहाँ पे। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग आगे और एक्सप्लोर करते हैं। बीच वाला एरिया है ना, एक और मेरे को एग मिला यहाँ पे, वहाँ पर तो वहाँ तक तो मैं आ रखा हूँ, वहाँ पर मैंने अनलॉक कर रखा है। कुछ और मिला यहाँ पर ना सारे लेवल 21 बी ग्रेड। तो ये क्या हमारे रेंच में शहद देगी हमको या फिर बी ग्रेड? तो मतलब इतना तो पता है कि बी देगी हमको वो अकेले में। तीन लोग यहाँ पे हैं और दो लोग यहाँ पे हैं, तो हम लोग दो लोगों में अटैक करते हैं। किसको भेजा जाए? इसको भेजता हूँ, रुक जाओ इसको भेज। ये डायर हाउल उतना कुछ खास काम का नहीं है, इसको भेजते हैं। डायर हाउल तो बस हमारे लिए इसलिए आ रखा है गाइस क्योंकि वो हमको बस हेल्प करे यहाँ पर काम करने में। अबे मारो इसको। ओ एक और मिला यार, ये लोग ग्रुप में कहीं झुंड में अटैक ना कर दें हम पे गाइस, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। झुंड, अरे फट फट रही, निकलो यहाँ से, निकलो। शिट भागो। ये क्या थी? शिट ये फटने वाली कहाँ से आ रही? ओ यार इनसे बचना पड़ेगा गाइस। वो सामने क्या दिखा मेरे को? मोसांडा 28 लेवल का पहला पहल होगा जो मेरे को दिख रहा है ऐसे घूमते हुए। बॉस नहीं है, नॉर्मल पाल है 28 लेवल का। अभी तक जितने भी हम लोगों ने ऐसे बड़े लेवल वाले कैप्चर करे हैं ना वो बॉस है। यार खाना ख़त्म हो गया गाइज, मेरे को बेस में जाना पड़ेगा क्या वापस से? तो अभी हम लोग इसको मारते हैं। इसको मारने के लिए क्या डाला जाए? हाँ इसको डालें। अब इधर आओ, मेरे को उनका डर है जो पीछे बी हैं। ये भी पानी वाला ही होगा पक्का है ना? ग्रीस वोल्ट की तरह दिख रहा है लेकिन ये ग्रीन ग्रीन सा है। मोसांडा चाहिए मुझे किसी भी हाल में। अबे मैं तो मेरे पीछे आ रहे हैं, मेरे को लग रहा हाथी कुछ काम नहीं कर पाएगा यहाँ पे। रॉबिन क्विल तुम्हारी जरूरत। ओ पत्थर फेंक रहे हैं ये लोग। अबे यार मर गया एक, तो मर गया वो भी मरने वाला है गाइस। शिट ये इतने जल्दी मर क्यों रहे? मुझे लग रहा है कि गीगा डालना पड़ेगा। अबे यार मेरे पाल स्पेयर्स खराब हो रहे हैं खाली फालतू में। मर गए यार ये तो, टोमेटो सीड दी उसने हमको, कितना भला इंसान था, खाली मार दिया फालतू में। यार दो लोग थे, दोनों में से हम लोग दो के दो कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि मेरी जो टीम है ना वो लोग मेरी बात सुनते नहीं। एक तो डाजी को कमांड दूं तो वो अगले को भी कमांड चली जा रही है। कितने प्यारे से लग रहे थे यार, मुझे कैप्चर करना था इनको। अभी मुझे पहले बी ग्रेड को कैप्चर करना है। बी ग्रेड को कैप्चर करना थोड़ा ना गाइस मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर बी ग्रेड मेरे को दिख रही थी, अब नहीं दिख रही। ये आ गया। बस दूर भागना, वो मेरे पास ना आ जाए, वो फट रही है। उससे भागो। अरे शिट भागो उससे। अबे मेरा गया रॉबिन कुल, गया नहीं, बच गया। रॉबिन कुल अभी गया था काम से यार, इससे बचना पड़ेगा गाइस, ये तो फट रही है। ओ शिट मरने वाली है। पहली बार में तो नहीं लग रहा कि मुझे इतनी जल्दी हो जाएगी। तू इधर आ, अब रहने दे तू, बहुत हो गया। अब हो जाएगा कैप्चर आराम से। और लाइट था, हम लोगों ने एक और कैप्चर कर लिया। यार इसने डरा के रख दिया था क्योंकि ये चिपक रही है और आके ब्लास्ट हो रहा है। ब्लास्ट होने का मतलब है कि कोई चांस नहीं बनता, तुम मरोगे। मोसांडा मुझे वापस मिल जाए ना तो मैं पक्का कैप्चर करूंगा गाइस। बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत प्यारा सा दिख रहा था, बट मारा गया। ये बी ग्रेड फिर से आ गई यार, बी ग्रेड नहीं चाहिए मुझे। चल तू निकल, बी ग्रेड से लड़ने का नहीं। ओ जंप कर पाएगा? शिट यार मुझे लगा था कि जंप कर देगा। बी ग्रेड ही है यहाँ पर गाइस। मोसांडा दिखा अपने को ऊपर फाइट करने के लिए सही। गीगा इसके पास कुछ ग्रीन ग्रीन सा है, हल्क जैसा, खतरनाक हो रखा है। ये हमारी टीम में आएगा तो बहुत हेल्प करने वाला है। ऊपर मोसांडा बहुत है, वो भी है। थोड़ा हमको सोच समझ के पत्थर फेंक रहा है सर पे। करंट लगा दिया। इस बार कैप्चर करना है, मरना नहीं चाहिए। अभी वो सब लोग आ गए, बी ग्रेड भी आ गए यहाँ पे गाइज। मेरे को ये कैप्चर करना है किसी भी हाल में। शिट वो फटने वाला है। लो मेरा रॉबिन क्विल गया अपना। ये मेरे पास आ रही है गाइस, मेरे पास आ रही है। हो गया कैप्चर, हो गया। शिट निकलो। शिट निकलो, बच गया मैं। हाँ यार ये क्या है,
बचना है इससे, मेरा उसका रॉबिन कुल मारा गया बेचारा उसके चक्कर में यार। और कोई है क्या गाइस? हम लोग इस पर चलते हैं यार, थोड़ा दूर से चलते हैं हम लोग। चलो हम लोगों ने ये कैप्चर कर लिया, ये कैप्चर कर लिया। मैं थोड़ा ना नए नए यूनिक से पैल्स को देख रहा हूँ गाइस, यूनिक से पहल हमको और कौन से मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने बेस में। मुझे सबसे पहले ना मेल पाका निकालना है, वो फंसा हुआ है, वो मेरा ही पाल है जो फंसा हुआ है वहाँ पे। तो इसको मेरे को निकाल के यहाँ पर रखना है और वापस से मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। अब शायद ये चला जाएगा, ये फंसा हुआ था यार। मेरा ब्रीडिंग का क्या चल रहा है मेरे को वो देखना है। वहाँ पर ऐसा आ रहा है कि केक की कमी पड़ रही है। देखो इन्होंने एग तो ले कर दिया यहाँ पर यार। ये ब्रीडिंग वाला ना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि टाइम लग रहा है इस चीज़ में, और केक बनाने में तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। पहले इसको थ्रो करो। अब मेरे को चाहिए फीमेल। फीमेल कहाँ चली गई? ये दूध लेके आ रही है ऐसे। इसको थ्रो कर देता हूँ। क्या कंप्लीट होगा ये? कब कंप्लीट होगा? नॉट इनफ केक यार। मैं केक का कैसे जुगाड़ करूँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा गाइस, केक का जुगाड़ करना मुझे समझ नहीं है। इन लोगों ने इस पर भी काम अभी तक नहीं कर रखा है। क्या कर रहे हैं ये लोग? मैं सोच रहा हूँ कि हमारा जो बेस है हाईली सिक्योर्ड है, लेकिन बताओ गेट ही नहीं लगाया अभी तक यहाँ पे। यहाँ पे केक बन रहा है, केक बना लो यार जल्दी जल्दी, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है केक? वो लोग बोल रहे हैं केक बन नहीं पा रहा है यहाँ पे। इन्होंने ये तो बना रखा। चलो ये लोग ना करते रहेंगे, मुझे करने की ज़रूरत है नहीं वैसे। ये लोग अपना आराम से बना लेंगे। अब एक बार ये देखा जरा हमारी टीम में कौन कौन से पाल्स हैं। इनको किसी को कुछ सिखा सकते हो? इसको तो कुछ सिखाने की ज़रूरत है नहीं। इसको भी इसका यार स्विफ्ट वाला मिल जाता ना कोई। एक सेकंड, मैंने बहुत सारे कैप्चर कर रखे हैं। मैं वो देख रहा हूँ कि स्विफ्ट वाला कौन सा है जिस पे स्विफ्ट वाला वो है। वो बहुत तेज़ भागेगा। हार्ड स्किन है इसकी? स्विफ्ट वाला तो कोई भी नहीं था ना अभी तक हमारे पास। स्विफ्ट इसके पास है बताओ, इसके पास नहीं चाहिए था स्विफ्ट। ये देखो स्विफ्ट डिफेंस करेगा ये, और एक ना अर्थक्वेक रेसिस्टेंट। तो इसमें अगर हम लोग को कोई वो डिक्रीज टू इनकमिंग अर्थ डैमेज, अर्थ डैमेज को डिक्रीज कर देगा। हार्ड स्किन वाला देख रहा हूँ कि हार्ड स्किन का क्या मतलब है। डिफेंस 10%। ओके यार मेरे को वो वाला चाहिए था लेकिन मिल नहीं पा रहा है। अभी गाइस कहाँ पर जाया जाए? देखो हम लोगों ने ना ये वाला एरिया कवर किया था, अभी हम लोग इससे इस साइड को जा रहे हैं। मैं बॉस मेरे को बहुत सारे दिख रहे हैं। मैं सिर्फ आज बॉस की लोकेशन देख रहा हूँ ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम जब जाएँ तब हम लोग बॉस को मारें। अभी हम लोग चल रहे हैं उसी जगह पे। अब मेरे को पहले इस जगह जाना है, इस जगह जाना है, इससे हम लोग आगे की तरफ को चलते हैं। वहाँ पर नए नए पैल्स हमको मिलेंगे, उनको कैप्चर करने वाले हैं। बॉस का टाइम आज नहीं है। तो अब हम यहाँ से किसको लेके जाएं? विनवर्म आ जा। हम लोग बेसिकली गाइस जाने वाले हैं इधर की साइड को। अभी हमको यहाँ पर एक रिबन ही करके कुछ मिला है पैल। अब मैं ना इसकी थोड़ा सा हेल्थ कम करता हूँ। मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा हेल्थ कम करने की ज़रूरत है। पता नहीं मर जाएगा, मुझे लग रहा। नहीं नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अबे तू मत मार दिया कर उसको, करंट लगा के पहले ही मार देती है। तो रिबनी था ये। ओके बहुत छोटा सा पाल था बट हम लोगों ने क्यूट सा लग रहा है मैंने कैप्चर कर लिया। इसको मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही कर लूँ कैप्चर, क्योंकि मार के शायद मर ही जाएगा ये, है ना। हम लोगों का लेवल 26 ही अभी 27 सा लगा मुझे। 27 हो चुका है ना, वही 27 हो चुका, अपडेट नहीं हुआ था वहाँ पे। लिफ्टेंजी भी मैं अबे मार। देखो ये इसकी हरकतें देखो आप। अभी हो जाएगा कैप्चर। टाइमिंग मैंने थोड़ी सही कर ली। अभी नहीं रुक जा, डाजी बहुत तेज हो रही है, डाजी छोड़ते नहीं है उसको कभी भी। हम लोग ना गाइस ढूंढ रहे हैं कुछ और नए पायल्स जो हमको इस आइलैंड पर मिल सके। गाइस यहाँ पे ना मुझे एक नया पायल दिख रहा है जिसका नाम है विक्सेन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं अपने पायल्स को भेजता हूँ, यहाँ पर फायर वाले मेरे को दिख रहे मेनली, तो प्रॉब्लम यह है कि जल सकते हैं। तो क्या हमको निकल जाना चाहिए यहाँ से और हम रॉबिन क्विल को उतार लें, या फिर फायर वाला कोई है हमारे पास? हमारे पास वाटर वाला नहीं है क्या कोई? नहीं वाटर वाला कोई भी नहीं है गाइस। रॉबिन क्विल को ही निकालता हूँ मैं। कहाँ चला गया वो? कहीं पर दिख रहा था मुझे, आई थिंक आगे को चला गया वो। रॉबिन क्विल को मैं भेज रहा हूँ गाइस। मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे को बचना होगा इससे बस। ये यहाँ से एयरसॉक्स भी आ चुका है। अंधेरा हो चुका है, ऐसे में हम लोग क्या फाइट लड़ रहे हैं यहाँ पे गाइस? मेरे को इसको कैप्चर करना है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ से चुपचाप। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मेरे को लग रहा है हो जाएगा। एयरसॉक्स को भी कैप्चर कर लेते हैं। ऊपर अच्छा मोसांडा है क्या वो? मोसांडा ही है वो। हाँ यार यहाँ पे ना कुछ खतरनाक पैल हैं, बट ऑलरेडी मेरे पास हैं वो फायर वाले जितने भी हैं ना मेरे पास ऑलरेडी हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइस अभी यहाँ पर हमारा काम चल रहा है थोड़ा बेस में। मैं ना अभी घर आया हूँ। हम लोग एक नई लोकेशन पर गए थे जहाँ पर रात हो गई थी, लेकिन मैं वापस आ चुका था। कुछ तो हम लोगों ने यहाँ से कैप्चर किया, तो उसके बाद से आगे से फ्लाई करते हुए ना मैंने ये वाला एक फास्ट ट्रेवल पॉइंट अनलॉक किया है। यहाँ पर कुछ नॉर्मल टाइप के पाल्स हैं लेकिन वो अलग है, मेरे को उनको कैप्चर करना है। बट उससे पहले हम लोग कितने वुड काट दिए इसने, हम लोग ना उससे पहले थोड़ा यहाँ पे बेस में काम कर लेते हैं। मैंने कुछ खाना वाना बनाया, मेरे को वहाँ पे दो मीडियम
सोल मिले हैं, जिस बहुत बड़ी बात नहीं है बट पहली बार मेरे को मिल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है इनको देख के। इससे हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं कि अपने पैल्स को और अपग्रेड कर सकते हैं। मेरे को देखना है कि क्या ये कंप्लीट हो गया, मैंने उठा तो लिया है कि यार इससे क्या निकलेगा, मेरे को अभी टाइम लगेगा ना इसको हैच होने में। तो हम लोग ना एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पर पीला पीला कैसे हो रखा है पूरा, यहाँ पर इनक्यूबेशन कंप्लीट हो रखा है। एक बार देखे जा रहा है कि कौन सा एग है इसमें गाइस। इसमें से निकला हमारा रूबी ऑलराइट, तो इसमें मैं डाल देता हूँ ये वाला। अब इन दोनों में से निकलना चाहिए कुछ ना कुछ खतरनाक वाला। आप लोगों ने कमेंट कर रहे थे वैसे कि नॉक्स निकलेगा, तो देखते हैं। कॉग्निटो बॉर्न हुआ, अरे वाह कॉग्निटो, इन कॉग्निटो मोड देखा होगा आपने, कॉग्निटो बॉर्न हुआ। एक बार मैं आपको पाल्स दिखाता हूँ जो हम लोगों ने कैप्चर करें। अभी न्यू से पता चलेगा ना, न्यू, अच्छा न्यू से कैसे पता चलेगा, न्यू वाला ऑप्शन इसको हटाओ। तो अंदर अंदर आ, कहाँ जा रहा है, मैं देख रहा हूँ गाइस कि हम लोगों ने कौन कौन से आज कैप्चर करे। तो हम लोगों ने सबसे पहले गाइस ये नॉक, ये कॉग्निटो हमको अभी मिला है, इसकी हार्ड स्किनर रनर है, तो इसका कुछ लॉगिंग के काम आएगा। ठीक है ये नॉर्मल सा कुछ, पहले मैं इसको कैसे दिखाऊं, रॉबिन क्विल को अभी चिलेट को हटाता है, मैं दिखाता हूँ इसको। ये है, ये है अरे वाह ये लग गया वुड काटने में वहाँ पे। तो ये है काम का, बहुत तेज लग रहा है, रनर है, रनर देख के पता चल गया कितनी स्पीड से भाग रहे हैं। पहले ना यहाँ पर थोड़ा सा मैं इनको लगा दूँ काम करने में। ऑलराइट अब जाके कुछ है हमारे पास, इसको हटा देते हैं। हाँ उसके अलावा और भी कुछ पाल्स हैं खतरनाक जो मैंने कैप्चर करे आज। एक तो मोसांडा था, मोसांडा मेरे को देखना है कि किधर चला गया, यहाँ से मेरे को देखने पड़ेंगे। ये हम लोगों ने कैप्चर करी रिब बनी, तो खैर नॉर्मल सी छोटी सी चुटकू सी पाल है, बट उसके अलावा हम लोगों ने कैप्चर करी है गाइस विक्सन, विक्सन हम लोगों ने कैप्चर करी है। ये कहाँ गया, ये वाला विक्सन, ये तो विक्सन अप्लाइज फायर डैमेज टू द प्लेयर्स अटैक, तो ये हमारी काफ़ी हेल्प करने वाली है और दिखने की भी अच्छी है, खतरनाक है, मतलब ये थोड़ी खतरनाक है विक्सन। ठीक है इसके अगर हम लोग स्टैट्स दिखाएं तो हैंडीवर्क लेवल 3 है, किंडलिंग लेवल 2 है। हैंडीवर्क में हमारे पास एक और पहले जो लेवल 3 है, बट ट्रांसपोर्टिंग लेवल 2 है, तो हमारे बेस में बहुत अच्छा काम आने वाली है। ब्लरी बॉडी इसका मतलब डिफेंस 20% का हमको डिफेंस देगी जब हम इसके साथ में होंगे, तो बहुत अच्छी पहल हमको मिली है एक। और उसके अलावा मैं एक बार देखूं जरा उसके अलावा और हमको क्या मिला था यहाँ पे। ये भी हमको एक ग्रीन टेल, दो हमारे पास हो चुके हैं, एक हम लोगों ने कैप्चर किया था शायद, एक हमको मिला था बॉर्न हुआ था अभी भी ना, कुछ एक नया मिला था, एक सेकंड, नया तो नहीं था वैसे, और भी हम लोगों ने करे थे, मेरे को देखना है और कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। हाँ एलिजा बे, एलिजा बे कैप्चर करिए गाइस हम लोगों ने, ये देखो ये इसके एक बार स्टैट्स देखते हैं जरा कि ये क्या कर सकती है। यहाँ पर देखते हैं, प्लांटिंग लेवल 2, हैंडीवर्क लेवल 2, लंबरिंग लेवल 1 और मेडिसिन लेवल 1-2। तो इसको हम लोग ना अभी एक काम करते हैं, इसको हम लोग डालते हैं टॉम्बेट की जगह बेस में डाल रहा हूँ मैं इसको, बेस के लिए बहुत तगड़ी है, वैसे भी काम आएगी वैसे, अगर कहाँ कहाँ गई ये देखो, वैसे भी ना काम आएगी। डेंटी टर्सेंटेड ऑफ 10% फ्लोर, ओह ये भी अच्छी चीज़ है, मतलब खाना थोड़ा कम कंज्यूम, मतलब भूख थोड़ी देर में लगेगी इसको, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और उसके अलावा और भी हम लोगों ने कुछ कैप्चर करे थे गाइस, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने और क्या कैप्चर करा। मोसांडा भी कैप्चर किया था, अच्छा मोसांडा ये है, मोसांडा की अगर हम लोग स्टैट्स देखें तो वैनगार्ड प्लेयर अटैक में ये भी हेल्प करेगा, बट प्लांटिंग लेवल 2, हैंडीवर्क लेवल 2 और ये भी ट्रांसपोर्टिंग लेवल 3। तो मुझे लगता है कि यार मोसांडा ना अभी बारी आ चुकी है इसको यहाँ पर करने की। ठीक है मोसांडा भी काम आएगा हमारे यहाँ पर। हाँ एक हम लोगों ने गोफविन कैप्चर करा था, ये भी हमारे पास, मुझे उसका समझ में नहीं आ रहा कि वो वाटरिंग लेवल 2 है, पानी देने के बहुत अच्छा काम आएगा, तो पानी देने के लिए हमारे पास सर्फेंट है, सर्फेंट की जगह अब ये काम करेगा। अभी बहुत सही हो चुका है यार, ये लोग बहुत तगड़े बनते जा रहे हैं हमारे बेस में काम करने के लिए और सब कुछ करने के लिए। हम लोग चल रहे हैं सीधा यहाँ पे, मेरे को वैसे यहाँ पे जाके वो चिंपैंजी, उसको यार मेरे को याद है कि मैंने कैप्चर करा था, ऐसा कैसे हो सकता है, वो छूट गया था क्या, मैंने नोटिस नहीं करा, बट मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने कैप्चर कर रखा उसको। एफिजी दिखा हमको, लिफमंक एफिजी, वो सामने क्या है गाइस, कुछ है वहाँ पे, अरे तो नॉर्मल सा वो है ना, सामने पत्थर है वो, अच्छा मुझे ऐसा लगा कि कुछ है वो। तो यहाँ पे ना गाइस देखो, हम उधर साइड को तो मैं गया नहीं हूँ अभी, बट यहाँ से मैं जब आ रहा था मेरे को बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग पाल्स दिखे थे, उस टाइम पर रात हो रही थी। अब मुझे देखना है कि क्या अभी भी वो यहाँ पे हैं, अगर हैं तो हम लोग डेफिनेटली उनको कैप्चर करने वाले हैं गाइस। अभी मैं सारे वाटर वाले पाल्स लेके आ रखा हूँ, देखो ये देखो ये देखो ये डायनासोर लक्स, यानी कि ये पानी, ओ ये तो वो है इलेक्ट्रिसिटी वाली है यार, इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रांग है, अभी हम लोग ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं स्ट्रांग है हम लोग फिर भी ट्राई करेंगे। हमारे पास रॉबिन क्विल है ना, रॉबिन क्विल ऑलराउंडर है गाइस, ये है,
इसको हम, ये देखो यार, देखो नीचे टोको टोको है ना, टोको टोको तो ब्लास्ट होता है, उसको हमको कैप्चर करना है गाइस। वो देखो गाइस, रॉबिन पिल के भाई यहाँ पे मिल गए हमको, फायर वाले, क्या नाम है इनका पता नहीं, बट ये फायर वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा एरिया है ना रेड रेड है। मेरे को यहाँ पे हीट रेसिस्टेंस वाला वो पहनना पड़ रहा है अपना क्लॉथ्स, तो जाके मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ, वरना देखो लाल लाल पूरा दिख रहा है यहाँ पे। मेरे को बस देखना है कि क्या यहाँ पे कोई वो है क्या, फास्ट ट्रेवल पॉइंट, उसको मैं अनलॉक कर लूँगा। बाकी यहाँ पर ना एक एग मिला अपने को, और ये क्या है गाइस, ये क्या है, और मिला बताओ। वो देखो वहाँ पर गया वो डायनासोर, डायनासोर लक्स को हम लोग कैप्चर करते हैं। और मेरे को एक फ्लाई करता हुआ भी कुछ दिखा था, मैंने नाम भी नहीं पढ़ा, रात हो रही थी, मैं फट से निकल गया यहाँ से। रॉबिन पिल जाओ, जरा अपना कमाल दिखाओ इस पर। लेवल 36 का है गाइस ये, एक सेकंड, गीगा स्पेयर डालना पड़ेगा इस पर। गीगा स्पेयर डालना पड़ेगा, पता नहीं यार रॉबिन पिल कर भी पाएगा कुछ धमाका, पता नहीं, क्योंकि ना ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर वाली है, बट हमको लगता है कि हम कर सकते हैं आराम से। इलेक्ट्रिसिटी का असर उतना, ओ शिट शिट, रॉबिन किल रहन दे, अभी कैप्चर करना है उसको। होगी गाइस, होगी, क्या लगता है आपको, ज्यादा मेगा गीगा स्पेयर है नहीं अपने पास ज्यादा। ओके तो हो चुकी है डायनासोर लक्स, तो ये फायर वाली टाइप की है, फायर वाले मेरे पास बहुत ज्यादा है। मेरे को ये, तो सामने कौन है अभी, वो डायनासोर लक्स तो हम लोगों ने कैप्चर कर लिया ना, ये नहीं, टोको टोको नहीं, नहीं नहीं टोको टोको कैप्चर नहीं करना यार, फिर से रात क्यों होने लग गई। डाजी भी है यहाँ पे लेवल 29 की, मैं किधर से आया था गाइस, मेरे को लग रहा है कि वापस जाना पड़ेगा यार, इतनी जल्दी रात कैसे होगी अभी, तो मेरे को लग रहा है कि मैंने बेस में ना टाइम वेस्ट कर दिया बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम चलते हैं आगे, मेरे को ढूंढना है, वो दिख रहे हैं दिख रहे हैं दिख रहे हैं, ये ना तीन तीन लोग एक साथ हैं गाइस, नाइट विंग भी उधर से आ रहे हैं। डायनासोर ऑलरेडी मैं कैप्चर कर चुका हूँ, ये ग्राउंड टाइप एलिमेंट है, तो इसमें कौन सा काम करेगा, इसमें फायर काम करने वाला है, फायर भेज रहा हूँ मैं, जाओ उनको मार के आओ जरा। विनवम उतना कुछ खतरनाक तो मुझे लगता नहीं कि है, बट यहाँ पर काम आ सकता है गाइस, यहाँ पर काम आ सकता है। मैं चाहता हूँ कि बाकियों को तू मार दे, अब ये तो बहुत जल्दी मार रहा है इनको, हो जाएगा कैप्चर बहुत ही आराम से। मुझे लगा कि ये खतरनाक है, तो रॉबिन विल से भी बहुत ढीले हैं यार, मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे कुछ खास। एक सेकंड, काम कर रहा है हमारा, काम कर रहा है गाइस, काम करेगा। ऑल राइट, हम लोगों ने एक और कैप्चर कर लिया, इनके आपस में लड़ाई होगी, लड़ो तुम लोग, लड़ो, लड़ते रहो, अभी मेरे पर निशाना, वो देखो सामने वो दिखा, वही तो मेरे को कैप्चर करना था हमारा। अरे यार विनमम की हालत ख़राब है गाइस, चलो यहाँ से निकलते हैं, उन लोगों ने मेरे पर भी अटैक किया था, बट हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। मेरे को लगा नहीं कि इतना कोई स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि एकदम से जब मैंने पहली बार रॉबिन किल को मारा था ना, कैप्चर किया था, तो टाइम लगा था उसको कैप्चर करने में, दिक्कत हो रही थी, बट यहाँ तो इसको बड़े आराम से हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। ये तो मरा, ये तो गया, गया काम से ही गया, तो क्या मैं दूसरा लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ पर हमको ना कोई स्ट्रॉन्ग चाहिए। मैं एक बार देख के आता हूँ ये कौन सा एलिमेंट है, उस हिसाब से हम लोग लेके आए। ये मेरे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेवल 40 का है फायर एलिमेंट। हम लोग पहले ना सर्फेंट को भेजते हैं यहाँ पर, अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर और लोग भी हैं। जाओ सर्फेंट, उधर नहीं, अबे उधर नहीं, उधर कौन है, उधर कौन है, उसको नहीं मारना, वो नीचे भी कुछ दिख रहा है मेरे को, वो भी कुछ है। लेवल 40 का है गाइस ये, मेरे पास गीगा स्पेयर्स है ना 7 है, ट्राई कर सकते हैं हम लोग इस पे थोड़ा कि कितना खतरनाक है। हमने किसको भेजा, सर्फेंट को, इसके बाद मैं पैनकिंग को भेजने वाला हूँ। पैनकिंग जा, पैनकिंग कुछ करेगा कमाल, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरी हेल्थ ऑलरेडी खत्म है गाइस, मेरे को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। ओ बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, दिखने का बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन गाइस मजा आएगा इसको कैप्चर करके अपने पास ले गया। अबे मेरे पास ये कभी कुछ नहीं होता इसके अंदर भरा हुआ। हाँ बॉस है यार ये, बॉस है, तभी तो मैं सोचूं कि हम लोगों ने बॉस से आज अटैक करने का सोचा तो नहीं था, बट अभी कर रहे हैं हम लोग अटैक। अभी ले लिया है पंगा, तो अभी हमको झेलना पड़ेगा। पैनकिंग तो इधर आ, जा पैनकिंग मांगो, मार उसको, मार 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 अभी। ओ शिट शिट शिट, आ रही उसकी हेल्थ, हेल्थ उसकी भी जा रही है। पैनकिंग तो हवा, और पैनकिंग को तो कहाँ अलग ही दुनिया पहुँचा दे रहा हो, इसकी आँख में गोली मारूंगा। पैनकिंग मार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जा रही उसकी हेल्थ जा रही है। मेमोरेस्ट के भेजूँ क्या, मेमोरेस्ट कुछ करेगा क्या, मेमोरेस्ट तो खुद आग फेंक रहा है। ओ ये वाला खतरनाक है इसका अटैक, ये वाला अटैक इसका बहुत खतरनाक है, ये जब भी मार रहा है ना इससे। अबे यार एलिफेंट कुछ कर नहीं पा रहा मेरा, मेमोरेस्ट कुछ कर, मुझे पता है मेमोरेस्ट कुछ खास पावरफुल नहीं है इसके अगेंस्ट, बट फिर भी उसका जो पावर है ऑलरेडी बहुत, देखो डैमेज कितने का डैमेज दे रहा है वो, डैमेज देखो उसका, आप जरा वीक है, बट इतना वीक भी नहीं है कि कुछ कर ना पाए।
अच्छा खासा डैमेज मिल रहा है इसको। जाएगा ये, जाएगा थोड़ी देर में, जाने वाला है गाइस ये हाइपर स्पेयर से। ऐसा तो नहीं कि हाइपर स्पेयर चीज इसके लिए ऐसा ना हो गाइस, मेरे को बहुत बुरा लगेगा। गीगा स्पेयर से हो जाना चाहिए यार, लेवल 40 का है। थोड़ा डाउट हो रहा है मेरे को ज़्यादा ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट ट्राई करते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं अपनी तरफ से, पूरी कोशिश कर रहे हैं गाइस। ये आग में जला डालेगा मेरे को गाइस, मेरी हेल्थ जाने वाला। शिट 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 शिट, उसने जब आग में जला दिया तो मैं बहुत देर तक जलता जलता रहा, पता नहीं क्यों। ये चीज़ बड़ी बेकार नहीं है यार। चलिए वापस से चलते हैं, ट्राई करते हैं। देखो लगता है कि मुश्किल लग रहा है मुझे, गीगा स्पेयर शायद काम ना करे। अगर नहीं करेगा तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम लोग उसको किल तो करेंगे। अभी मेरे को लग रहा है कि रिसेट हो गई होगी वापस से हेल्थ। यार ये बड़ा गंदा चक्कर। ओह शिट 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 शिट, मेरे को जल्दी भागना पड़ेगा, जल्दी भागना पड़ेगा गाइस। मेरा जो आर्मर है ना उसकी हेल्थ में देखूं जरा कि क्या बच इस लायक है कि हमको यहाँ पर इस गर्माहट में बचा पाए वो। अभी ठीक है, उतना चलेगा चलेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं की बात नहीं है। वो कहाँ चला गया यार? अगर बॉस है तो वो यहाँ पर होना चाहिए ना गाइस। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम कुछ और पाल्स को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे गाइस। ये नहीं हो पाएगा तो दिख जाए मुझे बस एक बार। टोको टोको नहीं यार, टोको टोको रहन दो तुम लोग। रे हाउंड, अच्छा रे हाउंड है तो गाइस। एलिजा भेजाओ, करंट मार रही है एलिजा को। रॉबिन क्विल को भेजू क्या? रॉबिन क्विल जा, रॉबिन क्विल कुछ कर पाएगा? मिक्स मिक्स रॉबिन क्विल को मैं हर जगह लेके आ जाता हूँ, एक ही पर अटैक करता ना। इतने सारे कहाँ से आ गए ये लोग? मुश्किल लग रहा है, पहली बार में तो नहीं हो पाएगा, इतनी आसानी से होने वाले तो नहीं है ये। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ज़्यादा नहीं है गाइस। ओ ओ ओ, ओ। हो जा यार, बस हो जा हो जा। रॉबिन क्विल की हालत ख़राब हो गई है, इसको एलिजाबे को निकालता हूँ उधर लड़ने। तो इसको मैं कैप्चर करता हूँ। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा आराम से। बस बस बस, चलो एलिजाबे हम लोग चलते हैं। मुझे वो बंदा चाहिए जिसने मेरे को मारा, मुझे दिखा दो कहीं से वो बंदा कहाँ चला गया वो। ओके दिख गया, दिख गया, दोबारा से दिखा, दोबारा से दिखा। उसकी हेल्थ वापस से उतनी ही आ चुकी है यार, किसको भेजा जाए अभी? कुछ करोगे पैनकिंग तुम? इधर साइड को तो लड़के फ़ायदा नहीं है, मुझे लग रहा है हम उस साइड ही लड़ते हैं, वो एरिया सही था। अभी अंधेरा हो चुका है यार। नहीं नहीं अभी फ़ायदा नहीं, अभी हम लोग चल रहे हैं, तैयारी करके आते हैं। गीगा स्पेयर थोड़े मेरे ख़त्म हो चुके हैं, थोड़े से ना एक्स्ट्रा में गीगा स्पेयर लेके आता हूँ, हम लोग कर लेंगे उसको कैप्चर। इतना बड़ी बात नहीं, उससे फाइट करना थोड़ा स्लो है वो, उसका एक ही अटैक है जो थोड़ा खतरनाक है, बाकी तो अटैक से आप आराम से बच लोगे। ओके गाइस, तो उस साइड में मेरे को दिखाई दे रहा है वो, हम लोग ना उसी तरफ चलते हैं, उसके बाद दोबारा से अटैक करना स्टार्ट करते हैं उस पर। और दो दिख रहे हैं मेरे को, ऐसा ना हो कि ये लेवल 41 का हुआ। ठीक है इसको मारते हैं और इसके बाद इससे फाइट करना स्टार्ट करते हैं। दो दो दिख रहे हैं मेरे को, तो बॉस तो नहीं है, नॉर्मल है, बट यहाँ पर सारे के सारे ना लेवल 30 से ऊपर के हैं वो, जितने भी पैल्स हैं यहाँ पर। पहले किसको भेजा जाएगा इस? पैनकिंग है हमारे पास, रॉबिन क्विल है, बूशी को भेजूँ क्या एक बार? पहले आ गया, चलो ट्राई करते हैं अटैक करना। बूशी वहां पर पानी में ही लड़ रही, उससे पानी में कुछ हो पाएगा? बूशी को फायर डाल रहा हूँ, फायर। हाँ तो हमको टीफेंट कुछ कर पाएगा? टीफेंट पानी में कुछ कर पाएगा क्या? टीफेंट पानी में जा, पानी में ट्राई कर, पानी में अपनी पावर दिखा। तू पानी का राजा है यार, उसको मार 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 उसको पानी में। सरफेंट, हाँ मेरे को पता है सरफेंट बहुत तगड़ा है उसके अगेंस्ट, बट वो लेवल ऊपर है ना, बहुत ऊपर है, तो शायद थोड़ा सरफेंट को दिक्कत हो सकती है। बट पानी में सरफेंट तो किंग है पानी का, सरफेंट की हालत ख़राब हो गई गाइस। पैनकिंग, पैनकिंग जा, पैनकिंग को जाना पड़ेगा अभी। मैं हूँ यहाँ से, मैं हूँ, टेंशन मत ले। पैनकिंग इधर से जा, ये फायर वाला जो कर रहा है ना गाइस, ये थोड़ा तगड़ा है इसका। ये देखो ये वाला गोली की स्पीड से आग फेंक रहा है, बाकी उसके अलावा इसके पास कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ दिखाने को, लेवल्स ही हैं बस और कुछ नहीं है। ये थोड़ा तगड़ा है इसका, इससे बचना है। अचानक से फेंक दिया इसने यार, एक एक का डैमेज मिल रहा है गाइस, क्यों? मैं 32 का तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। ये कि मेरे को उसे कुछ कर रहा है गाइस, ये कुछ कर रहा है, अचानक से कुछ अजीब सा हरकत करने लगा था। जा 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 यार, वहाँ से ना एक और भी आ रहा है, मेरे को उसकी टेंशन हो रही कि वो ना आ जाए यहाँ पे गाइस। बचो बचो बचो, रॉबिन क्विल, रॉबिन क्विल रुक जा, पूछी जा पूछी जा। चिट 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 गाइस 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 गाइस, ये वही है जिससे हम फाइट कर रहे थे, अगला आ चुका है। बूशी की आवाज़ आदमियों जैसे, आदमियों जैसे क्यों आ रही यार? ओह ये खड़क खतरनाक है, मेरी हेल्थ जाने वाली है गाइस।
क्या करा जाए। हाँ हम लोग इसको कैप्चर कर सकते हैं, थोड़ी सी और हेल्थ कम हो जाए उसके बाद हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। अगर इसने मेरे को एक बार भी मार दिया ना गाइस, मैं गया काम से, मेरी हेल्थ जाने वाली, मेरे को अपनी हेल्थ बचा के रखनी है। मेरे पीछे ही आ रहा है, मैं मेरा उसको दिखा यार। हाँ उसको भी मार, उसको भी दिखा फायर का मज़ा, दिखा उसको थोड़ा क्या होता है। मेमोरस कुछ करने वाला है गाइस, मेमोरस ही करने वाला है कुछ। फिट मैं एक काम करता हूँ गाइस, हीट रेसिस्टेंस वाला मेरे पास एक और था ना, इसको चेंज कर रहा हूँ मैं। लो मेमोरस गया काम से, मेमोरस गया काम से। रॉबिन पिल, रॉबिन पिल कुछ कर दिखा। अगर कैप्चर नहीं कर पाए तो ट्राई करने मारने का। अबे ये कहाँ से आ गया गलत टाइम पे। अबे यार वो एक और आ गया, रेहाउंड आ गया गाइस यहाँ पे। शिट यार, गलत टाइम पर रेहाउंड आ गए यहाँ पे गाइस। अबे यार हम लोग अच्छा खासा इससे फाइट कर रहे थे, गलत टाइम पर यार। इसको अब तो मारना है, इसको कैप्चर ही करो ना फिर। कैप्चर ही करके लेके जा रहा हूँ। बहुत बेकार टाइमिंग थी यार, मतलब किस्मत ख़राब थी। इसीलिए मैं ट्राई कर रहा था कि मैं दूसरी जगह पर जाऊँ जहाँ पे ये ना हो, ये लोग ना हो, डिस्टर्ब करते ना बहुत दिक्कत होती है। हम लोगों ने जैसे तैसे सर्वाइव करके हम लोग उसको कैप्चर कर चुके थे गाइस। हो पाएगा ये कैप्चर? एक तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं बस इसको कैप्चर कर रहा हूँ। इसको मैं नौकर बनाना चाह रहा हूँ अपना। इस बीच में हमारा खेल ख़राब किया इसने। हो गया, चलिए अब यहाँ पर वैसे एक और तो है, क्या करना चाहिए गाइस, एक और ट्राई करना चाहिए। हमारे पाल्स ने बहुत मदद करी, मतलब हर कोई पाल उतना स्ट्रांग नहीं है, वो लेवल 40 का है, उसकी हेल्थ ज़्यादा है बट उतना स्ट्रांग नहीं। एक और ट्राई करने वाले हैं क्योंकि मन नहीं मान रहा। हम लोग उसको मार चुके, दो बार हम लोग उसको मार चुके, अभी तो खैर मार ही दिया हम लोगों ने उसको, बट एक और ट्राई करने वाले हैं फटाफट। हम लोग फटाफट से जागते हैं और आते हैं उसके बाद से। रेहाउंड नहीं आता ना, कैप्चर हो जाता है, रेहाउंड के चक्कर में सारा कुछ खेल खराब हो गया। मैं उसको गोबिन गुल को बुला लेता, मेरे पास हाइपर स्पेयर भी था, बट हाइपर स्पेयर से भी फ़ायदा होता नहीं क्योंकि एक में तो सिंगल में तो कैप्चर होने से रहा हो। चले जल्दी से वापस एक होके आ रहे हैं, एक लास्ट ट्राई, नहीं होता है तो कैप्चर नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर आएंगे कभी। तो गाइस हम लोग वापस से यहाँ पर आए हुए हैं। इस बार अगर वो दिख जाता है और हम लोग उसको किल कर सकते हैं तो सही है। वैसे किल हम उसको ऑलरेडी कर चुके हैं बट नहीं, नाइटविंग है। मैं ना ये लेकर आ रखा हूँ इस बार, इसको निकालते हैं लिफ्ट मंग को। लिफ्ट मंग से हम लोग ट्राई करने वाले हैं ठीक है इसको मारने का। तो आई थिंक हम लोग थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा यार। अबे नहीं, यहाँ पर तो इतने सारे ग्रीस बोल्ट हैं यहाँ पर गाइज, क्या करा जाए? ग्रीस बोल्ट का कैप्चर कर लूँ क्या? ग्रीस बोल्ट लेकिन ग्रुप में है, मैं इसको ना चलिए उधर को चलते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग फाइट करेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे साथ में उसके लोग हैं तो हमको ट्राई करना पड़ेगा कि हम लोग इधर को आएँ। आई होप कि और लोग ना आए। इसको थोड़ा ना पास बुलाते हैं, इसके सर पर मारते हैं गोलियाँ। बच जाओ। कुछ डैमेज हुआ नहीं इसको, ऐसे ज़्यादा कुछ डैमेज हो नहीं पा रहेगा इसको, ऐसा लग रहा है। नहीं, पेन किंग जाओ। हाँ हमको निकलना पड़ेगा, हमको वही अपना क्रॉस बो चलाओ। तो मुझे लगता है कि हमको ना थोड़ा प्लेन सरफेस में जाना चाहिए, यहाँ पर दिक्कत हो रही है, वो खुद ही आ जाएगा। हम लोग किसको निकालें? लुनारिस को भेजूँ क्या एक बार? लुनारिस ट्राई करूँ, लुनारिस वैसे हेल्प करेगी क्या? अच्छा ये लुनारिस ने भेजा था, मुझे लगा इसके पास ये वाली पावर कहाँ से आ गई अभी। लुनारिस तो करंट लगा रही, इसको और कुछ नहीं। नहीं यार ज़्यादा पावरफुल नहीं है लुनारिस इसके अगेंस्ट, सरफेंट जाएगा सरफेंट। टाइम तो लग रहा है, देखो हेल्थ कम करने में टाइम तो लग रहा है, इसकी एचपी बहुत है। हाँ आई होप यार हम लोग इसको हरा पाएँ, यहाँ पर कोई आए ना इस टाइम पर। हराना नहीं है, हरा चुके हैं ऑलरेडी। ओ शिट ये अटैक है ना, इसको देखे रहना पड़ रहा है वरना बहुत दिक्कत हो रही है। अपने पैल्स को भी बचाना है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा है नहीं। पानी वाले ज़्यादा अटैक कर रहे हैं उसको, और कोई उतना कर नहीं पा रहा है। सर पे मारे इसके, हाँ एक और वहाँ पर सातवां आ चुका है यार। हमको अभी दूर जाना पड़ेगा यहाँ से भी थोड़ा, और अगर उसने अटैक कर लिया ना हम उन दोनों लोगों ने, बहुत दिक्कत हो जाएगी गाइस। दो से तो हम लोग नहीं भिड़ पाएंगे अभी। लुनारिस जा कुछ कमाल कर, लुनारिस मुझे पता है लुनारिस नहीं कर पाएगी उतना कुछ कमाल। उसको फायर से हो भी नहीं रहा शायद डैमेज उतना ज़्यादा जितना उसको पानी से हो रहा है। सरफेंट वापस से तू जा। हम लोग इसको यहीं पर फंसाएं क्या गाइस? हम लोग इधर की तरफ फंसाएं इसको। बस मेरे को डर लग रहा है कि यहाँ पे ना क्या कोई और, यहाँ पर और पैल्स हैं बहुत सारे गाइस, हमको उधर की तरफ को ही जाना पड़ेगा। इधर भी पैल्स हैं बहुत सारे,
हमको इस साइड को निकलना होगा। यहाँ आई थिंक, हाँ यहाँ पर कोई नहीं है। आर्मर डैमेज हो चुका है मेरा। ओ नहीं 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 नहीं, इसको जाओ भेजो दोबारा से। पैनकिंग कुछ कमाल करने वाला, उसकी हेल्थ जाने वाली है। हेल्थ कम करना इतना मुश्किल काम हो नहीं रहा, मुश्किल है इसको कैप्चर करना। फ्रीज कर देता ना। वहाँ पे एक और है, एक और है पैन। इधर पर लेके आ रहा हूँ इसको गाइस। हमारा वो पैनकिंग भी गया, पैनकिंग भी गया, बहुत दिक्कत होने वाली। मेरी हेल्थ भी ख़त्म है। लिफमंग भी गया गाइस, लिफमंग भी गया। लुनेरिस बची हुई है लास्ट। लुनेरिस कुछ कर पाएगी या नहीं नहीं पता, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी। हेल्थ बहुत कम हो रही है गाइस, उसकी बहुत कम हो रही है। हाँ लुनेरिस ने कमाल कर दिया, मुझे लग रहा है बहुत हेल्थ कम हो गई। ट्राई करें, ट्राई करें गाइस, ट्राई करें, दोबारा ट्राई करते हैं, क्या पता हो जाए। बस हो जाए, हो जाए। दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, उसकी हेल्थ भी बहुत कम हो रही। हो सकता है कैप्चर, हो सकता है, हो सकता है। दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, आई होप कि हो जाए, हो जाए, हो जाए। हाइपर स्पेयर डाल के देखो, एक लास्ट हाइपर स्पेयर डाला गाइस मैंने इस बार। गीगा स्पेयर है उसके बाद से वापस। यार कितने लगेंगे, कितने लगेंगे गाइस। हाइपर स्पेयर और थोड़े होते ना इजीली कैप्चर हो जाता। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी गाइस। लुनेरिस भी गई, मेरे पास कोई है पहल नहीं, कोई भी नहीं है। शिट, 18 एरोज बचे मेरे पास, क्या होगा पता नहीं। हेल्थ उसकी है वैसे थोड़ी बहुत अभी, बट मेरे पास ना वो नहीं बचे हुए यार, एरोज नहीं बचे हुए हैं गाइस। ओह शिट, मेरे पास शिट शिट गाइस गए। अब तो नहीं होने वाला। मेरे पास सिर्फ मेगा स्पेयर बचे हैं और मुझे नहीं लगता कि मेगा स्पेयर से ये कैप्चर होने वाला है। ये बहुत 40 लेवल का है यार, कहाँ ले मेगा स्पेयर से। नहीं नहीं शिट शिट शिट, नहीं नहीं मुझे नहीं लग रहा कि गाइस होने वाला है। अब यार अपनी किस्मत बहुत ख़राब है गाइस, बहुत ख़राब है अपनी किस्मत। शिट, मारने की कोशिश कर रहा हूँ अब इसको, और कुछ नहीं बस। अबे मार ही दिया उसने, इसने मार दिया, इन लोगों ने मार दिया। मैं निकलूँ यहाँ से अभी। किस्मत ख़राब है यार, हम लोगों ने बहुत कोशिश करी गाइस। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे ना ट्राई करेंगे। देखो हाइपर स्पेयर हम लोग अनलॉक कर लिया मैंने, उसको हम लोग बना सकते हैं, बट प्रॉब्लम यह है गाइस उसके साथ, ये भी है। अभी नहीं, अभी छोड़ रहा हूँ यार मैं, तुम लोग मेरी किस्मत वो हो ही नहीं अभी इस बार। खैर उसने तो एंड में मारा, मैं उसको वैसे भी मैं उसको मार ही देता, बट मेगा स्पेयर से नहीं हो सकता गाइस। 40 लेवल का कैसे मेगा स्पेयर से कैप्चर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। काम ही नहीं कर रहा था, एकदम तोड़ दे रहा था उसको। तो फिर कभी आएंगे और उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे। गीगा स्पेयर बहुत सारे लेके आऊँगा और हाइपर स्पेयर भी लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम। हाइपर स्पेयर देखो हम लोग बना सकते हैं, बट उसके लिए ना हमको हाइपर स्पेयर वाला वो बनाना है जो कि अभी अनलॉक नहीं है शायद, आई थिंक। हाँ स्पेयर असेंबली लाइन, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, 100 इनगेट चाहिए। मेरे पास इनगेट इतने ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है कि हैं। एक बार ट्राई कर लेता हूँ, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अगली बार जब भी मैं इसको कैप्चर करूँगा ना, हाइपर स्पेयर लेके जाऊँगा और गीगा स्पेयर पहले डालूँगा। उसके बाद जब मुझे लगेगा कि बहुत गीगा स्पेयर मैंने वेस्ट कर लिया, तब मैं हाइपर स्पेयर डालने वाला हूँ। पक्का कैप्चर होगा। हमारे पास 30 इनगेट्स हैं अभी, 30 से काम नहीं चलेगा। बट आज हम लोगों ने ना काफ़ी सारे पैल्स को कैप्चर किया। एक बार सो जाते हैं, कल सुबह उठ के ना मेरे को कुछ चीज़ें आपको दिखानी है। मतलब हमारे पास बहुत सारे नए नए पाल्स हैं और कुछ एग मेरे को देखने हैं, क्योंकि हम लोगों ने ब्रीड कराया था तो ब्रीड का फल हमको मिला, वो एक बार चेक करना यार। ये अपनी किस्मत में नहीं था यार, लेकिन वहाँ पर ना अभी भी बहुत सारे पैल्स हैं जो हमको कैप्चर करने हैं। बस मेरे को कुछ पहले वाटर वाले अच्छे और कैप्चर करने पड़ेंगे। वाटर वाले बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उसके अगेंस्ट, बट मेरे पास अभी कुछ ना खास है नहीं। सबकी हेल्थ वापस, मरा कोई नहीं था, सबकी हेल्थ वापस रिकवर हो गई है। तो हमारे पास ना गाइस देखो, यहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन से कैप्चर करे थे आज, उसके अलावा तो शायद हम लोग, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था ना लिफ, हम लोगों ने डायनासोर कैप्चर करा था जो कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा, बट अभी जनरेट करने की ज़रूरत है नहीं।
लंबरिंग करेगा, बाकी ये सब सारे काम करेगा। और इसको ना अभी ले आता हूँ यहाँ पर मैं। जरूर मेल पका का काम तो हो चुका है। इसने भी ज़्यादा कुछ खास काम कर नहीं पा रहा था क्योंकि यार उसके अगेंस्ट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं है। और हम लोगों ने कौन कौन से कैप्चर करे, हम लोगों ने विक्सन कैप्चर करी है और हम लोगों ने गाइज यहाँ पे, हाँ तो आप लोग ने मेरे को गाइज बताना कि हम लोग को कौन सा वाटर वाला जो खतरनाक वाला कोई बॉस है ना वो कैप्चर करना है, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग उसको कैप्चर कर पाएंगे इजीली। मतलब देखो अभी भी दिक्कत नहीं हो रही थी मेरे को, या तो पहले स्पेयर्स बनाने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा तब जाके हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि वैसे दिक्कत है थोड़ी सी यार। उसकी हेल्थ कम करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो टाइम हम लोग कम कर सकते हैं अगर हमारे पास वाटर वाले थोड़े स्ट्रॉन्ग पाल्स आ जाते हैं। बट अगर नहीं भी आते हैं तब भी अगर हमारे पास हाइपर स्पेयर्स होते हैं ना, हम लोग बहुत ही ईजिली पहली बार में ही उसको कैप्चर कर पाते, बट अनफॉर्चुनेटली अभी अपने पास नहीं है। फिलहाल इसी के साथ गाइज आज का एपिसोड, सॉरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने ना ये जो दो आएगा ना ब्रीड वाले, अब अगर आप लोगों का कॉमेंट सही है तो इससे नॉक्स पैदा होगा, नॉक्स अभी तक हमारे पास नहीं है। हाँ नॉक्स मिल गया हमको, ओके एक और मिलेगा नॉक्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको नॉक्स मिला। इससे क्या मिलेगा एक बार देखते हैं। इलेक्ट्रिक टाइप है कुछ, वहाँ से मिला था, कुछ खतरनाक ही होना चाहिए इसमें। तो गाइस जॉलथॉग ऑलरेडी अपने पास है, अभी क्या कोई एग वैग मिला अपने को, एक एग मिला हुआ है, इसको डाल देता हूँ। बाकी मेरे को मीडियम पैल्स होल मिले जिससे हम लोग अपने पैल्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जो कि कहाँ गए, मीडियम वाला पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। हाँ तो वही सब है, अभी इंतज़ार करना होगा थोड़ा सा और तब जाके हम लोग जा पाएंगे। फिलहाल मेरे बेस में काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और इसी के साथ गाइस आज का एपिसोड यहाँ पर, अब एक सेकेंड नॉक्स को थोड़ा देख तो लें कि नॉक्स करने क्या वाला है। नॉक्स आप लोगों ने बोला तो था कि नॉक्स कुछ काम करता है, बट मेरे को नहीं पता कि वो क्या काम करने वाला है। नॉक्स है कहाँ पर, लेकिन नॉक्स को ढूंढना पड़ेगा। नॉक्स लेवल 1 का नॉक्स है, इसको अगर हम लोग देखें तो अभी तो कुछ खैर इसकी है नहीं, वर्क स्पीड ज़्यादा इसकी और गैदरिंग मतलब कुछ खास है नहीं यार, क्योंकि हम लोगों ने पैदा करा है ना, अगर हम लोग कैप्चर करते तो उसकी पावर थोड़ी ज़्यादा होती, बट कोई बात नहीं धीरे धीरे सीख जाएगा चीज़ें। और गाइस तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।